नमस्कार फ्रेंड, आज मैं जा रही हूँ पानी पूरी बनाने। पानी पूरी बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले मैं इसमें 200 ग्राम मटर और 200 ग्राम मूंग और वही 200 ग्राम 5 से 6 आलू मैंने ले लिया है। ये मैं उबलने के लिए पहले रख रही हूँ। आलू और मटर एक साथ में रख के मैं अच्छे से इसको डाल दे रही हूँ और इसको मैं एक साथ में ही उबाल ले रही हूँ। गैस स्टार्ट कर देती हूँ। इधर मैं एक टोपी ले करके इसको मूंग को मैं पानी डाल करके एक छोटा सा टोप ले करके उसमें डाल के उबलने के लिए रख दे रही हूँ। जब तक मेरा आलू मटर और मूंग उबल रहा है तब तक मैं पानी बनाने का तैयारी कर रही हूँ। पानी पूरी का पानी बनाने का तैयारी कर रही हूँ। पानी पूरी का पानी बनाने के लिए फ्रेंड्स मुझे क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक बाउल पुदीना लिया हुआ है, थोड़ा सा धनिया लिया है साफ करके, 3-4 मिर्ची लिया है हरी मिर्ची, और पानी में खट्टा बनाने के लिए मैंने ये भिगा के रख लिया है, जीरा ले लिया, और ये मैंने काला नमक सफ़ेद नमक, और ये मैंने गर्म पानी में इमली भिगा के रखा है वो पानी में डालने के लिए, और हींग और पानी पूरी का मसाला। इतना पानी पूरी के लिए सामान चाहिए। पानी बनाने के लिए मैंने एक बॉटल पानी भर के ले लिया है और मैं टोप में इसे डाल रही हूँ। आधा बॉटल पानी मैं और डालूँगी। ये पानी हमारा 1.5 लीटर पानी है। अब मैं मिर्ची, धनिया पत्ती और हरे पुदीने को एक साथ में डाल के और जीरा डाल के मैं इसे पीस लूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसे मिक्सर में इसका ग्रेवी बना लूँगी। अब फ्रेंड मेरा पुदीना, धनिया, जीरा, मिर्ची का पेस्ट मैंने बना के लिया है वो मेरा पीस चुका है, मैं इसमें पानी में डाल रही हूँ। इसमें काला नमक और वाइट नमक मैं डाल दूंगी। फ्रेंड्स जो मैंने इमली का पानी लिया हुआ था उसे भी मैं छान कर इमली का पानी इसमें डाल रही हूँ। अब फ्रेंड मैं इसमें 2 से 3 चम्मच पानी पूरी डालूँगी, पानी पूरी का मसाला डालूँगी। मैंने 3 चम्मच पानी पूरी का मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा हींग तवे पर अच्छा गरम करूंगी। मैंने गैस पे तवा रख दिया था, मेरा तवा गरम हो चुका है। अब मैंने इसमें हींग डाल दिया है
और थोड़ा सा हींग को गर्म करके अच्छे से हल्का सा गर्म करके मेरा गैस बंद कर दिया और मेरा हींग गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पानी पूरी में तड़का दूंगी। फ्रेंड्स, मैं अपने पानी पूरी में एक चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। अभी फ्रेंड मेरा पानी पूरी का पानी बन के तैयार हो चुका है पूरी तरह। अभी मैं इसको थोड़ा फ्रिज में रख के ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। तब तक मैं अपना मसाला और मूंग सब निकाल करके इसे अच्छे से दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, जब तक मेरा पानी ठंडा हो रहा है तब तक मैं छोला बना ले रही हूँ। छोला बनाने के लिए मैंने थोड़ा धनिया पत्ती, दो हरी मिर्च, थोड़ा लहसुन ये मैं लिया हुआ है। अब मैं इसे मिक्सर में डाल करके इसे पीस लूँगी। अभी मेरा ये चटनी बनके पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें छोला बनाने जा रही हूँ। मैंने कढ़ाई गैस पे रख दिया है। मैं उसमें थोड़ा तेल डालती हूँ, जो दो चम्मच। अब फ्रेंड्स, मेरा तेल गरम हो चुका है। मैं इसमें जीरे का तड़का डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरा जीरा लाल हो चुका है। मैं धनिया, मिर्ची, लहसुन का जो पेस्ट बनाया था उसे मैं तेल में डाल दूँगी। ये मसाला डालने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए भून रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा सूखा मसाला ऐड करूँगी। सूखे मसाले में फ्रेंड्स मुझे थोड़ा आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, और बाकी इसमें कोई भी मसाला नहीं पड़ता फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। अब फ्रेंड्स, मेरा मसाला अच्छी तरह पक चुका है। अब मैं इसमें अपना छोले का सामग्री इसमें डाल दूंगी। ये मैं मूंग, उबला हुआ मूंग डाल रही हूँ और ये मैंने आलू 4-5 लिया था, वो उबाल करके कट करके रख लिया है, वो उसे भी मैं इसमें डाल दूँगी। और ये मटर का उबाला हुआ छोला मैं इसमें डाल दूँगी। फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से अपना छोला बना के तैयार करती हूँ। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं इसी तरह छोला बनाती हूँ पानी पूरी के लिए। आपको कैसा लग रहा है देखिएगा, मेरा छोला बनाने का कुछ अलग ही तरीका है। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत स्वाद आता है, इसे आप बनाकर देखिएगा। अभी मेरा छोला लगभग बन के तैयार हो चुका है। और फ्रेंड्स, मेरा मसाला पूरे अच्छा तरह से तैयार हो चुका है। अब मैं गैस बंद कर दी हूँ और मैं इसे एक कटोरी में निकाल करके आपको दिखा रही हूँ। अब फ्रेंड्स, मेरा सब सामान बना के तैयार कर चुका है मैं, और मेरा पानी पूरी बनाने के लिए मैंने मीठी चटनी, ये
मसाला मैंने बनाया था वो पानी मैंने रख लिया है। अब फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा पानी पूरी बना के दिखाती हूँ। अब फ्रेंड्स मैंने पानी पूरी का पूरी ले चुका है और इसे अब मैं इसे मसाला भर के दिखा रही हूँ आपको। फ्रेंड्स अभी हमारा मसाला गरम है इसलिए मैं इसको हाथ से नहीं भर के चम्मच से भर रही हूँ और आप इसे इसी तरह पानी डाल करके खा सकते हैं। फ्रेंड्स मेरा पानी पूरी कैसा बना है आप लोग देख के बताइएगा। अगर आपको मेरा पानी पूरी अच्छा लगा हो तो मेरे पानी पूरी को आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। फ्रेंड्स मेरा पूरा वीडियो देखने का कोशिश करिएगा। फ्रेंड्स मैं आपको अपना पानी पूरी का पूरा रेसिपी दिखा रही हूँ, इसे आप पूरा देखिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।